फुल चार्ज, मॉर्निंग शो था ना, फुल चार्ज हो गया हूँ. सल्लू की एंट्री देखते हैं. बेस्ट डबंग 3 बेस्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड. आप बोर नहीं होते, भले थोड़ी लंबी है. एंड हो गया एंड वी वर लाइक थोड़ा और खींच रहे था यार सलमान. क्या हो गया यार, फ्रेश डायलॉग्स, फ्रेश एक्शन एंड सल्लू का डांस मूव्स. आई थिंक जुड़वा के बाद सल्लू ने अब डांस. प्रभु देवा डायरेक्शन थी ना, बॉस देना पड़ेगा. ओके, लाइक सोनाक्षी और सलमान की तो केमिस्ट्री हम पहले भी देख चुके हैं. साई का ये डेब्यू है, उनकी साथ केमिस्ट्री कितनी अच्छी आ रही है. आई थिंक उनकी जो कैरेक्टर था ना, उसको छोटी गाँव वाली, शी वाज स्वीट, शी वाज ओके, बट यू कैन कंपेयर नो सोनाक्षी एंड सल्लू इज लाइक फ्रॉम दबंग वन. दबंग वन यू कैन कंपेयर, बट ठीक थी. फॉर फॉर द फर्स्ट टाइम शी वाज नाइस. ओके, मुन्नी बदनाम से तो बहुत प्यार ऑलरेडी मिल चुका है. मुन्ना, मुन्ना इस बार सिर्फ मुन्ना. अब मुन्ना का जमाना. एग्जैक्टली, मुन्नी इज आउट बॉस. अब नहीं लगता मुन्नी आएगी. मुन्ना का एक स्टेप हो जाए. अरे मैडम बेल्ट निकाल के मुन्ना पदनाम होगा. डार्लिंग तेरे लिए मुन्ना पदनाम होगा. डार्लिंग तेरे लिए दैट्स सलमान वॉइस. ओके, लास्ट से कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप? 5 out of 5, स्पेशली विद कीचअप. फर्स्ट डेब्यू एंड द क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज. इज हॉट, इज सेक्सी. कीचअप बॉस. साउथ का एक्शन, शेट्टी का एक्शन, दबंग 3 के सामने कुछ नहीं. रियली कुछ नहीं. यू मस्ट सी दबंग 3. आई एम गोइंग फॉर अनदर शो. थैंक यू सल्लू, वी लव यू, वी लव यू. थैंक यू मैम. ये फर्स्ट है बॉस. सल्लू, अगर आप ये शो देख रहे हैं, अगर आप ये न्यूज देख रहे हैं, हम आपकी हर मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं. एक पिक्चर हमारे साथ तो बनती है बॉस. थैंक यू, थैंक यू, लव यू सल्लू. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी न्यू ईयर. बहुत ही बढ़िया लगा है सर, कितना अच्छा एक्टिंग किया है. ये तो एक्टिंग नहीं, परफॉर्मेंस है सर, बढ़िया लगा. स्टोरी लाइन सेम ही. देखो वांटेड फिल्म के बाद से ये जो हमारी सलमान खान की जितनी फिल्म्स आ रही है ऐसे ही हो रही है. शुरुआत होता है, प्रॉब्लम दिखाते हैं, वो आके मारते पीटते हैं, फिर आके डांस करते हैं, फिर अपनी पत्नी के पास जाते हैं, फिर अपने भाई के पास जाते हैं, फिर प्लॉट होता है, फिर भाई को नीचा दिखाते हैं, फिर भाई प्लॉट में घूम के आता है, फिर वो खेल करता है. ये पूरी सलमान की सारी फिल्म अगर आप देखो ये ऐसी चल रही है. लेकिन इसमें किस तरह से, इट्स लाइक कुकिंग अ बिरयानी बट हाउ यू कुक इट. डायरेक्शन और जिस तरह से कैमरा एंगल्स उसकी गई है, सिनेमेटोग्राफी हुई है, जो फाइट सीक्वेंसेस है. अब हर एक फिल्म में देखो एंड में सलमान की फिल्म जो होती है एंड में ही इज फाइटिंग विद बेयर शॉट एंड इट्स अ रेड टोन. सो आई थिंक इट्स क्वाइट सेम इन स्टोरी लाइन. सो इट वाज नथिंग अनएक्सपेक्टेड. आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम कि वही पे लास्ट में टांग देंगे उसको. और फिल्म में वो बोलता भी है सलमान कि अरे क्या यार एंड में तुम मेरी बीवी को लेकर टांग देते हो हर वक्त, सारे विलन्स एक ही हो. इट वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि कैसा रहेगा सर. नया देखिए, जब चल रहा है तो चल रहा है. अभी अगर मैं टी शर्ट में अच्छा लगता हूँ, मैं शर्ट पहन के क्यों हूँ, सीधी बात है. सो ही इज एबल टू गिव अस गुड सिनेमा, सी हाउ पीपल एक्साइटेड. और इसमें जो गाने की सीक्वेंसेस है, मैं तो खुद ना चुका था. आधे लोग सीटियाँ मार रहे हैं, कोई ऐसे सीटियों पे सीटियाँ मारे जा रहे हैं, मैं बंगाली साइड में किए जा रहा हूँ. अभी हम बैठ के हम जज क्यों करें भाई, हम एंटरटेन होना है. सारा दिन हालत ख़राब होता है यहाँ पे, आधे लोग मतलब परेशान करते हैं यहाँ पर, हम एंटरटेन होते हैं. सो इट्स फाइन इफ यू शोइंग अस द सेम स्टोरी लाइन बट इफ यू आर गिविंग अस समथिंग न्यू. डायलॉग्स अच्छे थे इस बार, VFX बहुत अच्छी थी, जिस तरह से चश्मा होता है इट बहुत कन्विंसिंग एंड रियल. और एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि आप देखिए साउथ मूवीज़ में क्या होता है, वो नॉर्थ के बंदों को लेके विलन बनाते हैं. और अभी हमने भी शुरू कर दिया कि हम साउथ के बंदों को लेकर हम अपने विलन बनाते हैं. सो इट्स अ गुड गिव एंड टेक दैट बॉलीवुड एंड टॉलीवुड हैज. नॉट मतलब नहीं हो सकता, मतलब हो सकता था अच्छा, ज़्यादा उनके लिए कुछ करने को था ही नहीं. टू जस्ट बी प्रिटी क्यूट एंड इनोसेंट एंड बी अफेक्टेड बाय द विलन एंड लव द मेन कैरेक्टर. आई थिंक उसमें अगर उनको थोड़ा कुछ ज़्यादा दबाव दिया होता, लाइक शी इज़ फाइटिंग बैक, शी इज़ गिविंग सम लाइक डायलॉग्स की तुझ देख तू तेरे साथ क्या होगा, छोड़ दो मुझे कुछ नहीं. उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग कि वो जो एक होता ना कि फिल्म के बाद हम याद रखें, मैं तो भूल जाऊंगा फॉर श्योर. आई एम मांजरेकर जी का मैं फैन हूँ, बट आई शुड नॉट टॉक अबाउट हर डॉटर लाइक दिस, बट शी इज अ परफॉर्मर फॉर मी राइट नाउ. सो आई विल टॉक द वे आई फील. सो आई थिंक इट वॉज नॉट इम्पैक्टफुल. सोनाक्षी वॉज बेटर. हाँ, लेकिन इस फिल्म में थोड़ी गलतियाँ थी. जैसे जब वो अपने उस सीन में जाते हैं जहाँ पे वो उस
दबंग के अड्डे पे जाते हैं, सो ही पंचेस द डोर. अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डोर पे जो पंच है वो लेफ्ट हैंड का है, पर जब सीन कट के आता है तो ही पंचिंग फ्रॉम राइट हैंड. आई एम लाइक व्हाट द फक. सॉरी, तो ये थोड़ा जचा नहीं, मैं यार ये ठीक है रोहित शेट्टी की फिल्म देखते हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि अरे यार हाउ कैन सच गुड पीपल हु मेक फिल्म्स ये मिस कैसे कर सकते हैं. तो ये थोड़ा ऑड है, बाकी सब तो इट्स फैबुलस इन दिस फिल्म. मतलब आई थिंक दिस फिल्म कैन इजीली क्रॉस 250 एंड इफ लाइक थिंग्स आर फाइन.